I'm literally tired today. My dinner is done. अब मैं सो जाऊंगी. सुबह उठ के फिर अर्ली मॉर्निंग काम करना है मुझे. सो आप बने रहो, आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना. भगवान जी इसी दादा मेरे लिए ना से मुझे मेरे घर पे नींद आती है. मेरा घर, मेरा बेडरूम, मेरा रूम, वहाँ मुझे कहीं नींद आ सकती. सो हो भगवान प्लीज मुझे आज नींद आ जाए. सो सेम रूटीन मैं घर के बाहर भी फॉलो करती हूँ. मैं कल सोई थी और मुझे ना अपने बेड की वजह से थोड़ी इश्यूज हैं, मुझे नींद नहीं आती बाहर. बट यहाँ मैंने ट्राई किया, बाकी पीछे आपको दिख रहा होगा अभी सब चल रहा है. और गर्म पानी रोज़ की तरह हर कहीं हमेशा जहाँ भी चली जाऊँ. मैं बहुत पागल लगी हूँ, मिलती हूँ आपको रेडियो के बाद. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोहा. मैं हूँ मनप्रीत कौर. आज मैंने पहना ये जो मैंने कल वाले ब्लॉग्स में बात की थी ना, ये वाला स्वेटर, तो ये मेरा ब्लैक ब्लेजर पे भी आ गया है. एंड ये घरों में है तो मुझे शर्ट्स नहीं पहननी पड़ती विंटर्स में. सो मैं ये सब पहनती हूँ. खैर आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आई होप कि अभी तक आपको नहीं पता होगा कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन जयपुर पहुँचते पहुँचते आपको पक्का पता लग जाएगा कि मैं कहाँ गई थी. कौन बोलता है कि ज़्यादा पानी पीने से ग्लो आता है. भाई मुझे ग्लो तो नहीं आ रहा, लेकिन आज सुबह से ना मैं सुसु कर करके वो होगी. एक तो काम, ऊपर से इस पानी मैंने आज इतना पिया है क्योंकि मेरी टाइमिंग जब सोने की ऐसी हो जाती है ना कि आप लेट सो रहे हो और जल्दी उठ रहे हो, फिर सो रहे हो और ऐसे काम कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन की मुँह धोने का टाइम भी नहीं मिल रहा है. सो उसमें आप पानी पी रहे हो ना, और आज लिटरली मैं सुसु कर करके ना परेशान हो गई हूँ. इसलिए पानी पीने से ग्लो आता होगा, लेकिन उसके बाद उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बताया करो लोगों को क्या होते हैं. अब ये मैं वीडियो के लिए दे रही हूँ आपको. थैंक यू सो मच करें फॉर माय साइड, थैंक यू. थोड़ी टाइट लग रही हूँ बट माय लुक एंड ये जो हेयर स्टाइल है इसको तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है. बट या आई एम वेरी टायर्ड काम की वजह से. आई एम वेरी टायर्ड. आई लव दिस हेयर. पता है हेयर, एक अच्छा हेयर कट होने से ना एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता है, साथ में आप कितने भी टायर्ड हो फील ही नहीं होता. मेरे को तो ये वाले हेयर स्टाइल है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने शॉर्ट्स ही है पहली बात तो रखे नहीं है, और जब रखे हैं सो आई लुक सो एलिगेंट क्लासी जस्ट लाइक वाओ. सो आई लव इट. और स्पेशली मेरे प्रोफेशनल क्लोज पे ये तो बहुत अच्छी लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा. मैं दिखाती हूँ लुक. ओके नाइस, लुक नाइस. एंड जिसने भी ये हेयर कट किया ना, मैं जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ चंडीगढ़, और मैं उनको जाके स्पेशल थैंक यू बोलूँगी. अब मेरा हो गया है जाने का टाइम, और शाम की और रात की 8:30 और 10:30 की मेरी ट्रेन है. सो मैं 8:30 यहाँ से निकल जाऊँगी तो सुबह मैं जयपुर पहुँच जाऊँगी. सो जाके मैं आई होप बहुत सारा सोऊं. या सो आज मैंने दो ब्लॉग्स इसीलिए डाले हैं क्योंकि ये वीडियो कल आएगी और मैं बात कर रही हूँ. इससे पहले जो मैंने दो ब्लॉग्स एक दिन में दो ब्लॉग्स इसलिए डाले क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बहुत चीज़ें होती हैं, काम भी होता है, ब्लॉग्स ये भी वीडियोस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं. सो इसीलिए हमेशा मेमोरी फुल रहती है. सो आई थॉट कि ये मैं डाल देती हूँ, फटाफट निकालती हूँ. सो आप लोग बने रहो, चलते हैं, चलो मेरे साथ स्टेशन. कि मेरा पास्ता आ गया और मैं इसको खाऊंगी और मैं निकल जाऊंगी. मैं पास्ता लवर हूँ.
यस, मैं पास्ता लवर हूँ, और अगर आप भी पास्ता लवर हैं तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आई लव इटालियन फूड. मैं थोड़ी फैन हूँ इटालियन फूड, आई लव इटालियन फूड. बट मुझे ये था कि यहाँ का पास्ता ट्राई के लिए बिना तो मैं नहीं जाऊँगी. अब लुक्स, इसमें ब्रोकली है, माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट. पास्ता भी बोला था यार मैंने डालने के लिए. Where is the mushroom? No mushroom here. So, अब देखते हैं यहाँ का टेस्ट. आई लव मशरूम एंड ब्रोकली इन व्हाइट सॉस पास्ता, बट इनका पास्ता थोड़ा अलग है. बट बहुत यमी है. अगर आप चंडीगढ़ से हो या आप चंडीगढ़ कभी जाओगे तो वहाँ पे निक बेकर करके है, वहाँ का वाइट सॉस पास्ता आप ट्राई करना. मैं वहाँ के निक बेकर के वाइट सॉस पास्ते की बहुत बड़ी फैन हूँ. तो मिलते हैं, मैं निकल के आपको मिलती हूँ, फिर अभी फटाफट खा लेती हूँ. बाय. बैक टू जयपुर. सो मैं वापस जा रही हूँ जयपुर, और मैं आई हुई थी जोधपुर अपने एक इवेंट के लिए. सो वो मेरा ख़त्म हो गया, सो आई एम गोइंग बैक. मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाऊँगी, और अब मैं ट्रेन में, और जो लोग मेरे नए हैं तो मैं पहली बार उनके लिए, मैं वैसे ट्रेन का सफ़र कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरे ब्लॉग में भी पहली बार. मेरे कुछ और भी हैं जिसमें मैंने जर्नल में भी बैठ के बनी है. और ट्रेन में पता है लोग रात में, ट्रेन में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता. पता है लोग ट्रेन में क्या करते हैं? पास सोते हैं. सो 10:30 हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स ये थोड़ी देर में सब टपक जाएंगे. सो आप बने रहो. अच्छा.